तो भाई आज आपको दिखाएंगे टाटा टिगर 2017 मॉडल पेट्रोल कितना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एवरेज निकाल सकती है। और देखिए गजब का एवरेज। सारे बैग पकड़ा दिया मेरे को और खुद खाली हाथ। स्वागतम सुस्वागतम का। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए शादी में, और वो भी किसकी शादी में पता भी है आपको? किसकी शादी? कलेक्टर जी की शादी में जा रहे हैं, हमारे भैया हैं। तो हम ये सब सामान रख लिए हैं, ये अपना ब्लेजर और ये हमारा जूता और ये हमारी चाबी और ये इसका नया जूता, और उसके बाद मिलते हैं वहाँ जाके। इतनी गंदी हो गई है भाई गाड़ी। आ गए हम गाड़ी के अंदर और हल्की हल्की हो रही है बारिश, देखिए ये है। और जो है अब जा रहे हैं हम, ट्रिप को कर देते हैं ज़ीरो, उसके बाद देखते हैं एवरेज कितना क्या निकलता है। सेट ज़ीरो पेट्रोल। तो भाई आज निकाल रहे हैं अपन टाटा टिगर 2017 मॉडल पेट्रोल का एवरेज, और बहुत ही खतरनाक एवरेज निकालने वाले हैं। और देखिए 22.5 तक पहुंच चुकी है भाई ये एवरेज, और बढ़ते ही जा रही है। अपन बहुत लाइट पंचर आ गए, 23.2 तक चली गई, और कंपनी क्लेम करती है 23.67। और सोचिए कहाँ तक जा सकती है भाई, ये बहुत ही हल्के पंजे में चला रहे, बहुत ही हल्के। और इको में भी नहीं है, सिटी में है ना, 25.1 तक पहुँच गई है, देखिए सिटी में है। और जो है इतना एवरेज देना कोई मामूली नहीं है। और देखिए ऊपर में सिटी का बैजिंग भी है, अगर इको मोड में चलाए तब कितना होगी ये सोचो, 25.3 तक पहुँच गई भाई, 25.3 भाई। टाटा भी क्लेम नहीं करती इतना ज़्यादा, तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही आराम से चलाया गाड़ी को तब दिए इतना। ऐसा भी नहीं है कि मतलब रफ़ चला रहे हैं तब दे रही है, और पूरा का पूरा हाईवे था 150 किलोमीटर तब जाके इतना मिला है, 25.4 तक पहुंच गई है, और बहुत ही खतरनाक एवरेज भाई। ये देखिए 25.7 तक का मिल गया भाई, 25.7 अनएक्सपेक्टेड। इको में भी नहीं है ये गाड़ी, और जो है एसी भी चालू है हमारा, और बहुत ही खतरनाक। ये तो भाई मतलब अनबिलीवेबल हो गया एकदम, टाटा तक पहुंचा दो भाई ये, कि इतना अच्छी एवरेज भी दे सकती टाटा टिगर, और बहुत ही गजब की गाड़ी भाई। सस्ती जी वैगन है। अभी जब घुस जाता ना, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे शादी है और अब जाएंगे अंदर। गांव में शादी कर रहे हैं अपने अपने, मतलब गांव में सबको करने का शौक रहता है ना, इसलिए गांव में उतना बड़ा वो नहीं था, होटल मतलब जो भी है बड़ा क्या बोलते हैं होटल ही, हाँ लॉन, इसलिए यहाँ पे करना पड़ा। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, अब देखेंगे अंदर जाके क्या हो रहा है। असली नकली तो समझ नहीं आ रहा। तो गाइस ये जहाँ हम लोग शादी में आए थे वहीं पे जो है इनके भाई या कोई तो है, यहाँ पे फैक्ट्री है, ये सब पीतल कांसे की जो है थालियाँ बनाते हैं, बहुत भारी भारी थालियाँ, तो यहीं से सब एक्सपोर्ट होती है। तो हम लोग सोचे कि भाई यहीं से ले लेते हैं ओरिजिनल, क्योंकि क्या बाहर तो महंगी मिलती है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। बस याद रहेगा कि शादी में गए थे ये प्राची को देने। तो ये है वो थालियाँ बनाने की फैक्ट्री, और ये हमारे कलेक्टर साहब तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे, बहुत ही गजब। और ये डांस वांस करेंगे भाई फुल रथ पे, एकदम राम जी की निकली सवारी। और ये शादी खत्म होने के बाद लूडो खेलते हुए भाई रात के 2 बजे अंकल लोगों के साथ। सो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप। एंड आपने देख लिया कि भाई टाटा टिगर और कितना ज़्यादा एवरेज दे सकती है, 25.7 का एवरेज जो ही दी है अपनी गाड़ी, और जो है टाटा क्लेम करती है 23.67, तो हमारी गाड़ी उससे भी ज़्यादा एवरेज दी है। तो भाई जो है गाड़ियाँ एवरेज दे सकती है, बस आपके पंजे दबाने का खेल है। अगर आप ज़्यादा दबाते हैं
तो भाई 14 का भी दे सकती हो चाहे तो, और आप मेरे जैसे चला सकते हैं अगर वैसे ऐसे मोस्टली देती नहीं है सिटी में, ये तो हमने ज़बरदस्ती एवरेज निकाले इसलिए 25 तक गई है जो भी है, लेकिन इसकी ताकत है 25 तक देने की, और वो भी पेट्रोल डीजल नहीं। तो भाई सब्सक्राइब कीजिए और टाटा तक पहुँचा दीजिए वीडियो को, ताकि उसको भी पता चले कि भाई हम निकाल सकते इतना एवरेज, ठीक है। तो एक नंबर गाड़ी भाई टिगोर भी, मतलब पता नहीं क्यों फ्लॉप हो गई, लेकिन बहुत ही गजब गाड़ी है। हम लोग को तो अभी तक ग्राउंड क्लियरेंस में भी दिक्कत नहीं हुई, कहीं पे पहाड़ में चढ़ाओ या कहीं पे भी चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई टिगोर भी बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, और भाई आप लोग भी खूब घूमिए फिरिए और जो है एक से एक गाड़ियाँ लीजिए और एवरेज निकालिए, और सबसे ज़्यादा एवरेज अभी तक कौन सा निकाले कॉमेंट में लिखिए, और जो है मिलते हैं फिर से, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।